पूज्य सिंधी पंचायत संस्था मुरलीपुरा द्वारा मुरलीपुरा स्कीम स्थित ओम श्री सतराम साक्षी मंदिर में खाद्य सामग्री वितरण एवं भंडारे का आयोजन रखा गया। यह इस क्षेत्र का सबसे बड़ा फ्री राशन वितरण केंद्र है और साथ ही यहां पर गरीबों और असहायों को रोजाना फ्री राशन खिलाया जाता है। संस्था के प्रमुख और अध्यक्ष त्रिलोचन सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा सहयोग प्रदीप शर्मा, जो कि तुलसी चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर हैं, किया जाता है। उन्हें सिद्धि समाज अपने बच्चे की तरह मानता है। जो भी कार्य करते हैं बड़ी शिद्दत के साथ करते हैं। हम उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं और साथ ही वे हमेशा इसी तरह समाज विकास का कार्य करते रहें, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं। मैं प्रयागराज महर्षि दामोदर आश्रम से राष्ट्रीय संत मोहन कन्हैया प्रदीप जी शर्मा जी के माध्यम से तुलसी चैरिटेबल ट्रस्ट इस संस्थान में आज आया हूँ। मुझे यहाँ आकर के अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैंने यहाँ आकर के देखा कि समाज के अंदर में समाज के लोगों का कैसे विकास हो, इनका कैसे सहयोग हो, इनको कैसे जीवन में आगे बढ़ावें, इसके लिए तुलसी चैरिटेबल ट्रस्ट एक बहुत बड़ा विश्व स्तरीय ग्रुप देने वाली है, जिसके प्रावधान में समस्त लोगों का हर प्रकार से विकास होने वाला है। इसलिए मुझे अत्यंत हार्दिक प्रसन्नता है। सबसे बड़ी प्रसन्नता मेरी यह है कि 40 साल पुराने मेरे अजीज मित्र छोटे भाई प्रदीप जी शर्मा, जो विद्यादर नगर में रहने वाले हैं, उनके माध्यम से आज मुझे संदेश मिला कि आप वहाँ पर आकर के अपना आशीर्वचन दें। तो मैंने 15-20 मिनट का आशीर्वचन सबको दिया और ये बताया कि जीवन में हम विकास कैसे कर सकते हैं। मेरे बगल में बैठे सुधीर भाई साहब जो फाउंडर हैं, आप भी फाउंडर, हमारी बहन भी हैं। मैं सभी के लिए साधुवाद देता हूँ कि ये जो ट्रस्ट है इतना फैले कि संपूर्ण विश्व को इसका लाभ मिले। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता राजवंशी वार्ड 8 से पार्षद हूँ और मैं आज यहाँ पर जो हमारे तुलसी ट्रस्ट के फाउंडर हैं प्रदीप जी शर्मा, उनके बुलाने पर भी आई हूँ और खुद भी मैं देखना चाहती थी कि यहाँ ये किस तरह से लोगों की सेवा करते हैं और किस क्या व्यवस्था है इनकी। तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा मुझे कि इन्होंने बहुत बढ़िया व्यवस्था करा रखी है, जो हर महीने की 5 तारीख को ये कितने 250 लोगों के लिए राशन देते हैं, सूखा राशन 1 महीने का उनको, और डेली इनका यहाँ से कुछ खाने का भी डेली है, दिन जो सुबह दोपहर है 500 लोगों के लिए डेली इनका खाने का भी वो चलता है। और आप, हम तो यही चाहते हैं कि जिस तरह से ये आज हमने यहाँ पर देखा है कि इसी तरह की व्यवस्था ये यहाँ तो करते ही हैं, और भी जगह करें जहाँ इस तरह की लोग बागों को परेशानियाँ हैं, खाने को नहीं है लोग बागों को, और हर तरह की भी। हम तो चाहते हैं कि ये खाली खाने की ही नहीं, और भी कुछ समाज सेवाएं करें जिससे लोग बागों का उद्धार हो। कई जो बता रहे थे प्रदीप जी ने मेरे को बताया जैसा कि ये कुछ ऐसी भी व्यवस्था कर रहे हैं कि लोगों को रोजगार देने की भी इनका विचार है, और तो बहुत अच्छा है। हम हमेशा इनके साथ हैं, जैसे भी हम अपनी पार्षद उससे कर सकते हैं सेवा या जो भी है वो हम इनकी अवश्य करेंगे जिस तरह से भी हमें। और यहाँ हमारे सभी गणमान्य लोग आए हुए हैं, जिनसे हमारे महाराज जी भी हैं, हमारे भाई साहब भी हैं, सुधीर भाई साहब जी भी हैं, जो हमारे मैं क्या कहूँ, सुधीर जी भाई साहब हैं और प्रदीप जी शर्मा जी भी हैं,
और उनकी जितनी भी एक पार्षद भी जो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हमें निगम से कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो हमारे सुधीर भाई सब जी हैं जो हमारे सेक्टर 6 में रहते हैं, हमारी समिति के अध्यक्ष हैं और प्रदीप जी हैं, इन सब के सहयोग से हम एक एक सेक्टर को आदर्श सेक्टर वार्ड बना रहे हैं। धीरे धीरे हम पूरे वार्ड को हम आदर्श वार्ड बनाना चाहते हैं, और तो उसमें आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा अधिक सहयोग है और आगे भी ऐसे ही सहयोग यही बना रहे हैं। और हम चाहते हैं कि गरीबों की हम सब मिलके इसी तरह से सहायता करते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम लंबोदर नमस्तुभ्यं सततम् बोधगम प्रियं निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्वकारेतु सर्वदा श्री गणेशाय नमः। देखिए तुलसी ट्रस्ट के द्वारा जो ये आपको जो दान दिया जा रहा है, ये हमारे प्रदीप जी भाई साहब और सुरदीप जी भाई साहब खुद हमारे आचार्य जी यहाँ बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इतना जो कार्यक्रम एक कीड़ी को कण चले के हाथी को मर तक इतना विकास ये कर रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि सब जुड़कर इस कार्य में जुड़े और अपने तुलसी जो ट्रस्ट है वो बहुत आगे जाए। राजस्थान में नहीं, मैं चाहता हूँ कि भारत में भी हो, देश विदेश में भी इनका जो प्रचार हो और ऐसा सबकी सहायता हो, कोई भी गरीब नहीं रहे, सबको काम। आज बिजनेस के लिए भी कह रहे हैं कि मैं सबको काम दूंगा। कोई भी जो आप सफाई वाले हैं, टैंकर्स वाले हैं, उनको पेड़ों के लिए जो है, जमीन के लिए भी है, कहीं भी जो कार्य दिखता है उसको अग्रणी रहते हैं, आगे रहते हैं हर कार्य में। किसी को किसी प्रकार की तकलीफ हो, आज भी आप 12 बजे जाके जगा दोगे रात को तो मना नहीं करेंगे, किसी कार्य के लिए भी आप कहेंगे तो तैयार रहेंगे। कल आपने भारत विकास परिषद अम्बाबाड़ी के भी अध्यक्ष साहब हैं, उन्होंने भी जो भी बड़ा शाखा बड़ी चलाई है उससे पहले हर जगह जाकर हर गरीबों का है जो जिसको जितना चाहिए उनको मिलना है। जैसे मैंने बताया ना कि थोड़ा नहीं खूब सारा ये जो चल रहा है कार्यक्रम, इसमें भी आप देख सकते हैं कि अन्न का दान है। और यह जो अभी कोविड भी चला गया, कोविड में भी इन्होंने बहुत सारा दान पुण्य किया और 40,000 रुपए की बांटे डेली जो इतने बट रहे और आज भी बट रहे हैं, देख सकते हैं आप। और बिल्कुल ये जो मैं ये कहूँगा कि मैं मंत्र राज्य शास्त्री पुजारी जो अपने सेक्टर विद्याधर नगर के मैं हूँ, तो इसलिए उनको ये कहता हूँ और आशीर्वाद भी है उन पे, और मैं कहता हूँ आशीर्वाद के द्वारा ये आगे बढ़ेंगे। और अपने यहाँ राजस्थान में नहीं, जयपुर में नहीं, ये हर प्रांत हर शहर और हर सिटी में ये कार्यक्रम होगा और इनके द्वारा ये दान दादा से जुड़े हुए हैं और इनके द्वारा भगवान की कृपा है, इन पे माता पिता की बड़ी कृपा है और पिताजी की और माँ की कृपा होने के कारण ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं और भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। मैं को खूब जिए और खूब आशीर्वाद ऐसा दान पुण्य करते रहे। दान पुण्य बहुत बड़ी चीज होती है, इसको जब समझेंगे, जब आत्मा से आत्मा जुड़ेगी जब आपको पता चलेगा। इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा, बहुत सारे कभी हमारे सूर्यवंशी जी बैठे हैं, पार्षद साहब भी, सुधीर जी भाई साहब बैठे, गुरु जी बैठे हुए, साहब प्रदीप जी शर्मा जी भी यहाँ है और आप देख सकते हैं कितना ये जो वितरण हो रहा है। नमस्कार, मैं सुधीर अग्रवाल श्री प्रदीप जी शर्मा का साधुवाद करता हूँ, जो तुलसी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से लोगों की सेवा करना चाहते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान की सारी मनोकामना पूर्ण करें और हमेशा इनको आनंदमय और खूब डोनेशन, खूब लोगों की सेवा करने वाला बनाए। गॉड हैज गिवन टू अस so many blessings all over the world and each one of us in particular, and we are here as trust members to give back to society whatever we have received from God. May God enable each one of us to show mercy and compassion to mankind, and thereby may this world be a better place for every single one to live in. I wish everyone good luck and God's blessings for this new venture, and may God always be with you and may his presence continue leading each one of you closer and closer to him. Thank you so much. से जयपुर शहर, मेरी उम्र करीब लगभग 71 बरस की हो गई। मैं समाज सेवा में हूँ, भारत विकास परिषद पूज्य सिंधी पंचायत मुलीपुरा और भी समाज से जुड़े हुए हैं जो हम सेवक हैं और सेवा करते रहते हैं, सेवा के भावना से चलते हैं। समस्त गरीब विधवा माताओं बहनों की मातृशक्ति की सेवा करते हैं, हर महीने राशन वितरण करवाते हैं,
अन्य ये है कि गरीब बच्चों की पढ़ाई वगैरह लिखाई में अपन सहयोग करते हैं, और हमारे ये सभी भाई बंधु बड़े अग्रे बैठे हुए हैं, उनके शरण में हम चलते हैं। मैं लोकचंद हरिरामानी पूज्य सिंधी पंचायत का अध्यक्ष हूँ, एवं श्री संत बाबा मेहदास ट्रस्ट का भी अध्यक्ष हूँ। मेरे यहाँ निम्नलिखित कार्य चलते हैं। पहला, मेरा यहाँ रोज 250-300 आदमियों का जो है पैकेट बनता है। पहले बिठा के खिलाते थे, लेकिन आजकल जो है हम पैकेट वितरण करते हैं। इसके साथ हमारे पास एक गाड़ी है अशु यात्रा, जिस किसी के भी मतलब जो है घर से लेकर शमशान तक पहुँचाने का कार्य करते हैं, उसमें कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। तीसरे, हमारे यहाँ विधवाओं को जो है हर महीने 5 तारीख को राशनिंग देते हैं, जिसमें करीबन 85 विधवा हैं और कम से कम 14-15 आइटम्स हैं जो हम मतलब वितरण करते हैं। इसके सिवाय हमारे यहाँ एजुकेशन के जो गरीब बच्चे हैं, जिनकी हमारे पास डिमांड आती है किसी तरह से फीस या किसी में असमर्थ रहते हैं, तो उनकी भी हम जितनी हो सकती यथाशक्ति सेवा करने की कोशिश करते हैं। इसके सिवाय जितने भी वार त्यौहार हैं उनको मनाने की कोशिश करते हैं। इसके सिवाय हम साल में 2 बार ब्लड कैंप लगाते हैं, एक मेडिकल कैंप लगाते हैं, और जितने भी मतलब हो सकते हैं सामाजिक कार्य, जिसमें कि मतलब जो है धन मन और स्वास्थ्य सेवा करने की कोशिश करते हैं। ये सारे कार्य हम अकेले नहीं, बल्कि हमारे सारे इसमें 3-4 संस्थाएँ मिली हुई हैं, भारतीय विकास परिषद, आर के फर्नीचर्स, खाटू श्याम जी परिवार और गायत्री परिवार, ये सारे मिलकर हम ये कार्यक्रम करते हैं। जय। आज 5 मार्च 2021 को मुरलीपुरा में पूज्य सिंधी पंचायत धर्मशाला में मंदिर में एक प्रोग्राम रखा, जिसमें भारत विकास परिषद, माई हेल्थ फाउंडेशन ट्रस्ट और पूज्य सिंधी पंचायत की तरफ से गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को राशन वितरण कार्यक्रम व साथ में उनको स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रोग्राम रखा था, जिसमें माई हेल्थ फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से सहयोग रहा, और उस सहयोग की आने वाले सभी ने सराहना की और आगे इसको अनवरत चालू रखने के लिए भी उन्होंने बताया। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि वो पॉलीथीन का उपयोग न करें, उसकी जगह कपड़े के बैग का उपयोग करें, और कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, वैक्सीन के प्रति जागरूकता फैलाए। हमने आज वैक्सीन के ऊपर भी लोगों को जागरूक किया है कि बड़े बुजुर्ग वो टाइम से अपनी वैक्सीन कंप्लीट करें, जिससे भारत सरकार के इस अभियान को अपन घर घर तक पहुंचाने का प्रयास कर सके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत विकास परिषद जो है, जैसा मैंने पहले भी कई बार कह चुका हूं कि ये एक विचारधारा है, जैसे संघ एक विचारधारा है आरएसएस, वैसे भारत विकास परिषद भी एक विचारधारा है, जिससे हम लोग महापुरुष पैदा करते हैं। स्वामी विवेकानंद जो है वो हमारे मतलब प्रणेता है, प्रेरक है, तो उनका क्या था कि जीव मात्र के प्रति दया। स्वामी विवेकानंद का जो था कि उनका मतलब कोई पीड़ित व्यक्ति को देख लेते या पीड़ित आत्मा को देख लेते थे तो उनकी आत्मा जो है वो व्यल उठती थी। और अमेरिका का उनका जो दृष्टांत जो मतलब एक उनको एक गेस्ट मिली, उनको अमेरिका गए हुए थे वो, तो उस गेस्ट ने उनको मतलब 5 स्टार एकदम माने बेड और एसी कमरा और मतलब सब कुछ, और उनको ठहराया स्वामी जी को। तो रात को मतलब जैसे 11:30 बजे वो नींद खुली होगी तो वो मतलब उसकी होस्ट की जो आतिथ्य कर रहा था, उसकी मेजबान कहेंगे, तो उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वहाँ रूम में मतलब खुला है दरवाजा, वो देखे तो स्वामी जी है जमीन पे लेटे हुए हैं, और मतलब उनकी आंखों से जो है अविरल अश्रु धारा बह रही है। तो उसने लेडी ने पूछा कि भाई ये
स्वामी जी मेरे से क्या भूल हो गई, मैं क्यों आपके मतलब आंखों में इतना मतलब आप मतलब मेरी सेवा में क्या त्रुटि हो गई। तो वो रोने लग गई, जो वो होस्ट थी वो रोने लग गई कि स्वामी जी ऐसा क्या मेरे से अपराध हो गया कि आप जो आप मतलब आपकी आंखों में इतने आंसू आ रहे हैं। तो बोले कि मेरे जो भारत देश की जो गरीब जनता है, जो पीड़ित जो जनता है, वो जो 100 करोड़ की जनता है, वो भूख से और उससे मतलब तड़प रही है। उस समय खाने के भी बहुत संकट था भारत में देश के ऊपर में, और छप्पनिया का कारण अपने पूर्वजों से सुनते हैं कि उस समय अनाज की इतनी कमी हो गई थी फादर, जब वो एक अकाल का एक उसको छप्पनिया का काल बोलते हैं मारवाड़ी में। तो उसी का जो मतलब ये जो अन्नदान है इधर में राशन है करीब, हमारा टारगेट है इसको बढ़ा करके, मैंने ओपन दे रखा है। लोकसिंह जी हमारे अध्यक्ष यहाँ जो ये जो संभाल रहे हैं, और बाबूलाल जी हैं एक, और एक सबलदास जी सिंधी हैं, और बहुत लोग हैं मतलब सिंधी समाज का। तो मैं लाडला बेटा हूँ, शायद मेरी बात को लोकसिंह जी लाडला बेटा हूँ क्या आपका तो ऐसा है तो सब अच्छा चलता रहे और सेवा करते रहे लोगों की, इस वजह हमको इतनी शक्ति दे। तो मैडम के आशीर्वाद से और सबके गुरु जी के आशीर्वाद से, फादर के आशीर्वाद से, लोक जिंदगी के, ये सब क्या दिव्य आत्माएं हैं, सब दिव्य पुरुष हैं, इनके आशीर्वाद से तुलसी चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो अनेकों अनेक और इससे भी मतलब सैकड़ों हजारों गुना पैमाने पर इस कार्य को आगे बढ़ाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। Money Park Heart and EECP General Hospital, US FDA व American Heart Association द्वारा अनुमोदित, राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार हार्ट अटैक के मरीजों का बिना सर्जरी बिना भर्ती किए EECP द्वारा अत्याधुनिक इलाज।